नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिकृति प्रोडक्शन पे, जहां आपको मिलती है म्यूजिक की क्लासेस, म्यूजिक की नॉलेज, रिकॉर्डिंग के बारे में नॉलेज और बहुत सारा मैटर, अनबॉक्सिंग, रिव्यू वीडियो, बहुत सारी जानकारी, बहुत सी नॉलेज म्यूजिक के बारे में। हम बात कर रहे हैं अभिकृति प्रोडक्शन पे म्यूजिक की। मैं चंद्रशेखर पंत आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं रोलैंड का एक एक्सपेंडेबल सिंथेसाइजर। जी हाँ, एक्सपेंडेबल सिंथेसाइजर, आपने सही सुना। तीन कैटेगरी होती हैं कीबोर्ड की, जो सिंथेसाइजर जो हमारे होते हैं कीबोर्ड की, तीन कैटेगरी होती हैं। एक होता है वर्कस्टेशन, दूसरा होता है एक्सपेंडेबल और एक होता है, क्या होता है आप लोगों को पता है दोस्तों कि वो तीसरा कीबोर्ड क्या होता है? अरेंजर। जो लोग कीबोर्ड बजाते हैं उन लोगों को पता होगा कि एक अरेंजर होता है, एक एक्सपेंडेबल कीबोर्ड होता है और एक वर्कस्टेशन होता है। अरेंजर कीबोर्ड वो होते हैं जैसे PA-1000 जो मेरे पास है, PA-1000 जो है मेरे पास, वो कीबोर्ड है अरेंजर, प्रोफेशनल अरेंजर PA-1000 कोर कंपनी का कीबोर्ड है। अरेंजर का मतलब कि आप अरेंज कर सकते हो उसमें, म्यूजिक अरेंज कर सकते हो, उसकी टोनों को अरेंज कर सकते हो, आप किस कीज पे या किस बटन पे कौन सी साउंड आप अपने रखना चाहते हैं वो आप अरेंज कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से कि आपका प्रोग्राम क्या है। एक्सपेंडेबल कीबोर्ड को, कोई भी कीबोर्ड को एक्सपेंड यानी कि एक्सपेंड बदला जा सकता है। आपको किसी कीबोर्ड की टोन पसंद है, जैसे मेरे को कज़वेल की या मेरे को कोर की कोई टोन पसंद है, मान लो बैंजो मेरे को कोई पसंद है, तो वो बैंजो में अपना एक्सपेंडेबल मतलब वेव, उसकी वेव फॉर्मेट में साउंड निकाल करके सैम्पल करा करके एक्सपेंडेबल अपने रोलैंड कीबोर्ड में एक्सप्रेस 10 में प्ले कर सकता हूँ, उसको डाल सकता हूँ और उसकी साउंड को इसमें प्ले कर सकता हूँ। हाँ, ऑडियो इंजन का थोड़ा फर्क पड़ता है। तीसरे होते हैं वर्क स्टेशन वो होते हैं जहाँ आप होमवर्क करते हैं दोस्तों। जैसे आपने अपनी परफॉर्मेंस, आपको पता है कि फिक्स परफॉर्मेंस मेरी क्या होने वाली है, उस परफॉर्मेंस के लिए आपको होमवर्क करना पड़ता है कि मैं इस टोन पे ये सब बजाऊंगा या इस टोन पे मेरे को इतना डेप्थ चाहिए, इतनी डिले चाहिए, इतना रिवर्ब चाहिए, इस टोन में इतना गेन चाहिए, इतना इक्यू चाहिए, तो वो सारे आप बैंक रजिस्ट्रेशन वगैरह वो वर्क स्टेशन पे बनाते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज होती हैं सिंथेसाइजर की। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, जैसा कि वीडियो का टाइटल है रोलैंड का, जब से ये रोलैंड का एक्सपेंडेबल XPS-10 आया था, हालांकि काफी टाइम हो गया, मैं पहले इसको बजा चुका हूँ, तो ये कीबोर्ड आया था जब मेरे पास, तो ये एक नया मॉडल निकाला था और इस प्राइस रेंज में पहली बार रोलैंड आया था और ये बहुत छोटे से मदरबोर्ड के, आप देखिए बहुत कम, इतना हल्का सा कीबोर्ड था, तो लोगों को लगा था कि ये कीबोर्ड कितना वर्क करेगा कितना वर्क नहीं करेगा, लेकिन जिस हिसाब से इसका मदरबोर्ड टेक्नोलॉजी के मामले में इतना था, छोटा मदरबोर्ड दिया था, उस हिसाब से इसका आउटपुट बहुत तगड़ा था। हाँ, कुछ लोग इसको, इसके प्रीसेट जो आते हैं वैसे यूज करते हैं, जैसे इसका आउटपुट गेन बहुत बड़ा हुआ आता है, जैसे 9+9 इसका आउटपुट गेन बड़ा हुआ आता है, लोग उसको डिफॉल्ट की सेटिंग पे प्ले करते रहते हैं, तो साउंड स्पीकर जो आप आउट देते हो जब आप लाइव बजा रहे होते हो, तो जिस भी साउंड सिस्टम पे आप आउट देते हो वहाँ आपका साउंड थोड़ा सा फटाफटा सा आता है, वहाँ डिस्टॉर्ट नॉइस बहुत आती है, डिस्ट्रक्शन नॉइस बहुत आती है, तो वो कारण यही है कि जहाँ इसका सेटिंग में आउटपुट लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुला होता है। तो हम करने वाले हैं XPS-10 की रिव्यू। मैं जानता हूँ ये थोड़ा पुराना कीबोर्ड है, लेकिन इस समय जब से ये आया हुआ है XPS-10, लाइव परफॉर्मेंस के मामले में, लाइट वेट के मामले में परफॉर्मेंस ज़्यादा, ये लाइट वेट विथ परफॉर्मेंस मोड, इसका मैंने जो नाम दिया था लाइट वेटेड और मोर परफॉर्मेंस, तो इसको प्लग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। आइए इसकी साउंड सुनते हैं, इसके अडॉप्टर के साथ मैं इसको प्लग करता हूँ और प्लग करने के बाद देखिए दोस्तों, पावर का बटन ऑन करते ही कुछ लाल रंग की यहाँ पर दिवाली की लाइटें जलती हैं, टाइप से बहुत सारी लाइटें दे रखी हैं यहाँ पर, और हमें एक जरूरत पड़ेगी, देखिए वैसे इसमें बहुत अच्छा है कि आपका जो हेडफोन आउटपुट यानी कि ये जो 3.5 mm का जैक होता है, आप किसी के थ्रू इसको कनेक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं और साइड में ही इसके सारे जितने भी इसके कंट्रोलर्स हैं वो सब साइड में दिए हुए हैं, पावर का जैसे आपको दिख रहा होगा, ये पावर का दिया हुआ है, USB का यहाँ पर दिया हुआ है, MIDI का यहाँ पर दिया हुआ है, और आप इसको हेडफोन जैक दिए हुए हैं, बाकी आपके मोनो जैक दिए हुए हैं, आपके फ्रंट इसका कीबोर्ड का सभी को पता है, 6 इसमें पैड दिए हुए हैं, आप ऑडियो असेंबल करके यहाँ लूप प्ले कर सकते हैं, बाकी इसकी प्रोग्रामिंग पूरा यहाँ पर छोटा सा सेट दिया हुआ है जो आपको मैं दिखाऊँ, और वही 61 कीज का बहुत ही लाइट वेटेड कीबोर्ड है रोलैंड XPS-10। और अब चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं 3.2, इसको मोनो जैक के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली इसको फोन पे आउटपुट लगाऊंगा,
लाइव वालों के लिए मैं राय देना चाहूंगा कि आप LR पे बजाएं, LR यानी कि लेफ्ट और राइट, आप जो बजाते हैं लेफ्ट और राइट अगर आप बजाएंगे बैलेंस करते हुए, आपके पेडल पे भी दो आउट होते हैं तो LR आउट से आप बजाओगे साउंड सिस्टम पे, तो काफी अच्छी रिफाइंड साउंड आपको मिलेगी। वक्त है इसको कनेक्ट करने का, मैं अपने क्योंकि मैं रेफरेंस आपको जो साउंड सुनाता हूँ वो अपने मॉनिटर के थ्रू सुनाता हूँ, स्टूडियो मॉनिटर के थ्रू जो मेरे पास है बेरिंगर के MS-40, मैं उसके थ्रू आपको सारी साउंड सुनवाता हूँ और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे को। अब देखते हैं इनको चेक करने का, इसको वक्त है इसके बैंक को चेक करने का। पहले मैं आपको सुनाता हूँ ये लाइव परफॉर्मेंस, लाइट वेटेड लाइव परफॉर्मेंस है, तो जितने भी जागरण बजाने वाले हैं आई मेरे को पता है वो लोग यूज कर रहे हैं, पक्का इस कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं क्योंकि इस प्राइस रेंज पे इसको बीट करने वाला कीबोर्ड को, अगर आप स्टार्टर हैं, बिगनर्स हैं या फिर आप प्रोफेशनल भी हैं, अगर आप स्टार्टअप हैं या प्रोफेशनल भी हैं तो आप इस कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं एज अ परफॉर्मर। ये परफॉर्मिंग कीबोर्ड ही है, प्रैक्टिस कीबोर्ड नहीं है और ना ही इस पे आप सीखने वाला कुछ ऐसा है। इस प्राइस रेंज में आई थिंक जब मैंने लिया था तो 32 या 33 के आसपास था, फिर 42-45 प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। आई डोंट नो कि इसकी प्राइस इस समय क्या है, बट अंडर 50 के अराउंड ये कीबोर्ड है, अंडर 50 के अराउंड आप इस कीबोर्ड को ले सकते हैं अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं और प्रोफेशनल भी रहना चाहते हैं तो ये कीबोर्ड आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। इसने एक रेवोल्यूशन ला दी थी इस प्राइस रेंज में, मैं इसका टच बंद करके देखता हूँ। आपको ऊपर ही कट ऑफ, रेजोनेंस, अटैक, रिलीज, कोरस और रिबब के यहाँ पर, और साथ में जो इसकी स्प्लिट वॉल्यूम है उसको भी एडजस्ट करने का, ऑडियो पैड के भी वॉल्यूम के नॉब्स यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं सीधे सीधे। फटाक से इसको थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाते हैं, मैंने टच ऑन कर लिया, कुछ प्ले करते हैं। आज सिर्फ रिव्यू करेंगे कि इसकी साउंड कैसी है, आपको रिलीज चाहिए तो आप यहीं से ही रिलीज का नॉब ऑन करके रिलीज के प्ले कर सकते हैं। ट्रांसफोर्स और ऑक्टेव शिफ्ट करने का, एक प्रेस करा यहाँ एक लाल दिवाली की लाइट जल जाएगी और आप उसके थ्रू डायरेक्ट इसको ऑक्टेव प्ले कर सकते हैं। एक बात और है, इसमें आपको स्पीकर नहीं मिलता इनबिल्ट स्पीकर, क्योंकि एक्सपेंडेबल कीबोर्ड है, इतना लाइट वेट है इसीलिए कि इसमें आपको इनबिल्ट स्पीकर नहीं मिलता, लेकिन आप किसी भी 3.5 mm के जैक हेडफोन को, उसके जैक को इसमें प्लग इन प्लग करके डायरेक्ट सुन सकते हैं। बैंक देखते हैं दोस्तों, एक छोटा सा रिव्यू है, ज्यादा कुछ बोर्ड पे दिया नहीं है, कुछ फंक्शंस जो इसके काम करते हैं जैसे एंटर, एग्जिट, राइट का बटन, मेन्यू का बटन, ट्रांसपोज शिफ्ट करने का, ऑक्टिव शिफ्ट करने का बटन इस पे दिया हुआ है। साथ में आपको 10 बैंक एक साथ आप सेम टाइम पे परफॉर्म करते हुए आपको 10 टोन मिल जाती है दोस्तों, कैटेगरी जिस जो कैटेगरी के थ्रू चेंज होती है, मतलब एक्स्ट्रा कोई कंपनी ने बटन नहीं बनाए हैं, इन्हीं टाइम पे कैटेगरी भी है और आप फेवरेट दबा करके डायरेक्ट बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी बैंक पे जा करके बजा सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ नाम आ रहे हैं फ्लूट के तो मैं देखूंगा कि क्या है, काफी रिच साउंड है, प्रोफेशनल साउंड है। अब डिपेंड करता है कि इसके प्रीसेट्स और क्या कहते हैं इसके जो बैंक हैं प्लेयर ने किस टाइप से कैसे। हाँ, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि आप इसमें प्रोफेशनली सारी वो सेटिंग कर सकते हैं जो एक प्रोफेशनल को जरूरत होती है, वो सारी सेटिंग्स इसमें आपको मिल जाएंगी।
जैसे आप किसी भी टोन में रिवर्ब से लेकर के उसकी इक्यू इक्वलाइजर कर सकते हैं। और सबसे मेन बात इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, 16 ट्रैक सिक्वेंसर है, मतलब आप हर कीज में आप कौन से स्केल की बांसुरी इस पे रखना चाहते हैं, कौन से ऑक्टेव पे, कौन से बटन पे, दो नोट पे, अगर आपको पूरा सॉन्ग विदाउट एनी मतलब कोई भी चेंज करे हुए, कोई भी टोन चेंज करे हुए आपको पूरा सॉन्ग बजाना है केवल इन 61 कीज की हेल्प से, विदाउट बिना किसी और अदर बटन को प्रेस करे हुए, बिना बैंक बदले हुए, तो आप 16 सिक्वेंसर की मदद से एक पूरा गाना प्ले कर सकते हैं, अपना बैंक बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है जो थोड़ा सा मिस लगता है मुझे अपने कॉर PA 1000।
सक्सेन आई भी है। राजस्थानी में आपको नहीं ज्यादा देखो आजकल डांस वाली टोन में भी बदली, इसको सिंथ कहते हैं। छोटा सा रिव्यू था इसकी टोन के बारे में। आपको ये 10 टोन इसमें मिल जाती हैं, सिक्वेंसर मिल जाते हैं, लाइट वेट मिल जाता है, प्लस पावरफुल इंजन मिलता है आपको। हाँ थोड़ा सा ये स्पीकर और रियल्सल के मामले में आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, बट आप इसको हेडफोन के थ्रू इजीली किसी को बिना डिस्टर्ब के आराम से प्ले कर सकते हैं। तो एक पावरफुल गैजेट इस बजट में, आई थिंक इसके आगे कोई स्टैंड नहीं करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। और दूसरी बात, आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा तो प्लीज शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और देखते रहिए अभिकृत प्रोडक्शन को।